तो 10th क्लास का वास्तविक टॉपिक वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है पहला है, इसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक में क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे कैसे आएंगे। सबसे पहले यूक्लिड एल्गोरिथम के ऊपर क्वाड्रेट वेरिएबल में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे 3x+1 एंड 3x+3, 3x+7 या 5 करके ऐसे नंबर पूछ लेगा, या फिर इसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं किस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछ लेगा, इसमें क्वेश्चन पूछेगा एलसीएम और एससीएफ फाइंड करने के लिए, एलसीएम एससीएफ फाइंड करने के लिए पूछ सकता है। तो एलसीएम एससीएफ में यूक्लिड एल्गोरिथम में एससीएफ जो तुमने 6th क्लास में कभी सीखे होंगे डिवीजन मेथड से, उसमें एससीएफ पूछेगा फाइंड करने के लिए। और इसमें शांत और अशांत, शांत है या अशांत है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछेगा कौन सी नंबर शांत है कौन अशांत है। और एक टॉपिक पर और क्वेश्चन पूछता है दशमलव प्रसार के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एलसीएम एससीएफ के ऊपर हम देख लेते हैं, इसमें जैसे कि फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है नॉर्मल सा ही एक क्वेश्चन ले लिया हमने 30 से 25 तक कोई नंबर है और ये दो नंबर दे दिए फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, इसका हमें एससीएफ निकालना है। तो एससीएफ निकालने के लिए बच्चे मल्टीप्लाई करो या कुछ भी करते हैं तो सिंपल ध्यान रखना है जो छोटी नंबर है उससे बड़ी नंबर को डिवाइड कर लेना है। छोटी नंबर कौन सी है 25 और बड़ा कौन है 30। 25 से 30 को डिवाइड करोगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा 1 टाइम, 25 बन जाए, 25 माइनस करने पर 5 बच गया। अब यही यूक्लिड एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप लिख लो ऐसे 25 × 1 + 5। अब जो नीचे रिमाइंडर आया है उस रिमाइंडर से डिवाइड कर लो 25 को, 25 × 5 = 5, 5 = 25 माइनस करने पर 0 बचेगी। सेकंड स्टेप में क्या लिखोगे 5 × 5 + 0। अरे शांत बैठ जाओ, हिम्मत करो, ये कंप्लीट जब यहाँ 0 आ जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करा दो नंबर दे दिए और इनका एससीएफ जो यहाँ पर लास्ट बार जिससे डिवाइड करोगे वही तुम्हारा एससीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ जो निकल कर आया है वो कितना आ गया 5 आ गया ना। अब अगर यही क्वेश्चन इतना आता है कि 25 और 30 का एससीएफ 5 है, इसका एलसीएम फाइंड करो, एलसीएम फाइंड करो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब फर्स्ट नंबर कौन सी है, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, तो 30 × 25 इज इक्वल टू एलसीएम कितना है, एलसीएम तो निकालना है ना और एचसीएफ है 5। अब 5 जाएगा इसके डिवाइड में तो हम थोड़ा इसे ऐसे लिख लेते हैं एलसीएम इज इक्वल टू 30 × 25 / 5। अब 5 से 30 को डिवाइड कर दो 6 टाइम, 5 × 6 = 30 और 25 × 6 = कितना होगा 150, 150। तो ये इसका एलसीएम होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा, तो इस क्वेश्चन को छोड़ कर नहीं आना, बिल्कुल करके आना है।